मुझे लगता है कि अगर देश में कोई रह रहा होगा भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ विशेषकर, वैसे तो वर्ल्ड में जहाँ भी आप सुनेंगे अगर भारत के बारे में जो भी दिलचस्पी रखता होगा, तो उसे एक केस के बारे में हमेशा याद आता होगा। और आप सभी लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और संविधान पढ़ते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि एक केस आप हमेशा सुनते रहते हैं, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस। तो देख लेते हैं आखिर आप क्यों चर्चा में बना हुआ है, और ये DIS का आर्टिकल है। और देखिए, याद रखिए, जहां से अच्छा लगता है वहां से कोई आर्टिकल ले लेते हम लोग, ठीक है? तो यहाँ सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बस बता दें, उससे मुझे भी अगर उसमें कुछ सीखने के लिए तो मैं भी सीख जाऊँ, ठीक है? देश के न्यायिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वाला शायद ही कोई केशवानंद भारती के नाम से अपरिचित हो। 24 अप्रैल 1973 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के कारण केशवानंद भारतीय न्यायिक इतिहास का सर्वविदित नाम है और हमेशा याद रखे जाएंगे। याद रखिए, न्यायिक दुनिया में अभूतपूर्व लोकप्रियता के बावजूद केशवानंद भारती ने ना तो कभी जज रहे और ना ही अधिवक्ता रहे। उनका यह नाम एक वादी के रूप में ख्याति प्राप्त करा है। इस मामले के कई निर्णयों ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना का नींव नवीन दिशा प्रदान की है। मैंने हमेशा याद रख बताया ना कि आप लोगों को कि हमारी जिंदगी होती है 100 साल, 100 150 साल हो सकती है आपकी, और हो सकता है कि कल ही चले जाएं, तो इसमें कोई जिंदगी का कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन अगर आपके जो काम रहते हैं उनका समय जरूर रहता है। अब सोचिए कि जब तक इतिहास है, मुझे तो लगता है तब तक इस केस को याद रखा जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपका इतिहास रहेगा, समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी ने इतने अच्छे काम किए थे, आप जानते हैं, बांग्लादेश का युद्ध ले लीजिए, फिर चाहे बांग्लादेश को आजाद कराने का पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1961 में, माफ करिए, और फिर चाहे आप लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, बहुत सारे उनके काम ऐसे थे। लेकिन जो 1975 से 77 की इमरजेंसी लगाई गई, उनके कारण उन पर एक धब्बा लग चुका था, समझ रहे हैं? तो काम ऐसे करिए कम से कम अपना नाम बचा रहे आगे चल के। जीवन का क्या है आप भी जानते हैं, कोई मैं यहाँ वो राम कथा जैसे वो नहीं दे रहा हूं, ठीक है, माफ करिएगा। केशवानंद तथा वेदांत। कासरगोड केरल का उत्तरी सबसे उत्तरी जिला है, पश्चिम में समुद्र और पूर्व में कर्नाटक से घिरा। इस इलाके का सदियों पुराना एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है। कहाँ है? एडनीर में। यह मठ 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रेरिता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाले स्मार्ट भागवत परंपरा को भी मानता है। इस मठ का इतिहास करीब 1200 साल पुराना माना जाता है और शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुखों को केरल के शंकराचार्य का दर्जा भी दिया जाता है। इसलिए स्वामी केशवानंद भारती केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते थे। उन्होंने महज 19 साल की अवस्था में संन्यास लिया था, जिसके कुछ ही साल बाद अपने गुरु के निधन की वजह से वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। हालांकि उनके सम्मान में उन्हें श्रीमत जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंग ला बारू के लंबे संबोधन से बुलाया जाता है। एक बहुत बड़ा नाम है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। पूछ लेगा कि उनके सम्मान में उनका नाम क्या था, केशवानंद भारती साहब का। और मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में हो सकता है आने वाले एग्जामों के लिए आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस में भी और आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ठीक है? और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए इतना अच्छा काम हुआ था। केशवानंद भारती मामले की अगर बात करें, मठ का न केवल अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नत था, बल्कि भारत की नाट और नृत्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कासरगढ़ गौड़ और उसके आसपास के इलाके में दशकों से एडनीर मठ के कई स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। और इसके अलावा यह मठ सालों से कई तरीके के व्यवसायों को भी संचालित करता है। 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी, यानी कि इसकी खुद की अपनी एक तरह से इसका कब्जा था उस पर। परंतु EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार के केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 से मठ की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई और इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे इस पर न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सके। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में कोई भी मामला डाल दिया जाता है तो
तो उस पर आगे कोई न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता था, ये होता था। तमिलनाडु का आप लोग देखते हैं क्या होता है, आरक्षण का मुद्दा ले लीजिए, वहां 50% से अधिक आरक्षण था, उसे न्यायिक 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। तो इसीलिए इसका एक केस इसी से जुड़ा हुआ है। केरल हाईकोर्ट के समक्ष इस मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार है। आप जानते हैं कि 26 आर्टिकल 26 आपका मौलिक अधिकारों में दिया गया है, उन्हें अपनी एक धार्मिक अपनी जो भी धार्मिक संपदा होती है उसके प्रबंधन करने का अधिकार होता है, आप किसी भी धर्म के हो। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकारों पर पाबंदी लगाए जाने वाले केंद्र सरकार की 24वें 25वें 29वें संविधान संशोधनों को चुनौती दी। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी। एक बात याद रखिए, पहले आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक संविधान मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिए। हालांकि केरल हाईकोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट चला गया था। और याद रखिए, अब आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं 78वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से कानूनी अधिकार दे दिया गया, लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा केशवानंद भारती बाद देश की शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले को संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था, क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों के सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन का अधिकार है। और आप जानते थे कि उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था, समझ रहे हैं? तो कहिए कि यानी कि कह सकते हैं कि संसद को क्या ये है कि आपके मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था। तो अतः शीर्ष अदालत ने इस मामले में पूर्व के गोलकनाथ मामले में बनी 11 जजों की संविधान पीठ से भी बड़ी पीठ बनाई। इसमें आपके 13 जज लिए गए, कितने? 13, पहले 11 थे। एक बात और याद रखिए, कई लोग बोलते हैं 11 क्यों लिए जाते हैं, विषम संख्या क्यों ली जाती है? तो इसलिए ली जाती है कि निर्णय कम से कम कोई इसका एक तरह से निष्कर्ष निकले। अगर आप सोच लीजिए 12 ले लीजिए जाए, 10 ले लीजिए, तो मान लीजिए एक 5 इस पक्ष में निर्णय किए, 5 उस पक्ष में, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा उस निर्णय का। तो इसलिए 11 या आप सोचिए 13 लिए जाते हैं, जिसमें अगर एक 6 एक तरफ हो गए तो 7 एक तरफ रहेंगे, या 7 दूसरी तरफ तो 6 एक तरफ रहेंगे। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष भी निकल आता है, ठीक है। इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई और 78 दिनों तक चली, कितने? सॉरी 68 दिनों तक चली, 68 दिनों तक, ठीक है। अंततः 703 पेज के अपने लंबे फैसले में केवल एक वोट के अंतर से शीर्ष अदालत ने स्वामी केशवानंद भारती के विरोध में फैसला दिया था। और आप एक सोचिए बात, अगर ये इसमें 12 होते तो 6-6 रह जाते, फिर फंस जाता मामला। यह फैसला 7 और 6 की न्यूनतम अंतर से दिया गया। इस प्रकार केशवानंद भारती मामले ने गोलकनाथ के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, और जिसके अनुसार अब न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती, तो कर तो सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन वह नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होता हो और उसका मूल स्वरूप बदलता हो। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता जो एक तरह से उसके मूल स्वरूप है उसे ही बदल के रख दे। केशवानंद भारती मामले मामला न्यायिक सक्रियता का प्रथम उदाहरण था। केशवानंद भारती बात के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है और संसद भी इससे ऊपर नहीं है। इसीलिए आप जानते हैं कि संसद में किसी का भरोसा हो या ना हो, लेकिन संविधान में हम सबका भरोसा रहता है। और एक राष्ट्रवाद के रूप में आप समझिए कि संविधान ही जुड़े हुए हैं, वरना आप सोचिए दक्षिण के राज्य कहते हैं हमें अलग देश बनाना बनना है, सब अलग अलग हो जाते। और जब हम आजाद हुए तो यही अंग्रेजों के द्वारा बाकी देशों के द्वारा कहा गया कि भारत कुछ ही दिनों में कई टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन हमारे संविधान इस तरह से बनाया गया कि इसने सभी को एक करके रखा हुआ है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबका इस पर भरोसा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, संविधान वैसे तो कुछ प्रावधानों के साथ आपका लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। यदि अगर इस मामले में 7 जज यह फैसला नहीं ले देते तो संसद को संविधान से किसी भी हद तक संशोधन के अधिकार मिल गए होते, तो शायद देश में गणतांत्रिक व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह पाती। आज के नेताओं को आप जानते भी हैं कि नेता अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते होते, हो सकता है डिटेक्टर बन जाए, मतलब एक तरह से राजतंत्र स्थापित कर लेते खत्म करके,
वो कह देते कि क्या आपका राज, क्या आपके मौलिक अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, पाबंदी लगा देते। तो कम से कम इस निर्णय से काफी हद तक लोकतंत्र को एक मजबूती मिली हुई है। इस फैसले के 2 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और संविधान की पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन आपातकाल के बाद केशवानंद भारती मामले की निर्णय को आधार मानकर ही मूल संविधान वापस लाया गया। निर्णय की प्राप्तियों, एक बात और आपको बताऊं, आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, समझ रहे हैं? तो इसमें बहुत बड़े व्यापक एक तरह से आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे बदल दिया गया। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने जो भी परिवर्तन हुए थे उसे बदल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से परिवर्तन किए थे, लेकिन आगे जो नई सरकार आई, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी 78 में बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी चुनाव में उनकी सरकार, ठीक है। 1973 के में केशवानंद भारती बना केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने कई अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में काम भी करता है। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया और संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, ये निम्नलिखित हैं। एक तरह से कहिए कि संविधान के मूल आधार है, और इस डेट को याद रखना, 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय आया था। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्म निरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ये सभी आपके, ठीक है। न्यायालय ने यह भी निर्णय लिया कि इस निर्णय के उपरांत नवी अनुसूची का न्यायिक अवलोकन किया जा सकता है। इससे संसद और विधान सभाओं के मनमाने जो व्यवहार का समापन हो गया, वह यह प्रावधान लोकतंत्र का तत्वार्थ है। इस निर्णय ने भारत में संकरी प्रसाद बाद 1951 से 1973 तक चली आ रही न्यायिक पालिका और संसद का द्वंद्व समाप्त हो गया और भारत में संसद की व्यवहारिक सर्वोच्चता के स्थान पर संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना हुई। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बल भी मिला इस निर्णय से। विदेशी अदालतों ने भी इससे प्रेरणा ली। हमारी जो केशवानंद भारती बनाम था केस, इससे विदेशों ने भी, यानी कि अन्य देशों ने भी इससे एक तरह से आप कहिए कि प्रेरणा ली। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले के ऐतिहासिक फैसले से कई देश विदेशी संवैधानिक अदालतों ने भी इससे प्रेरणा ली। लाइव लॉ के अनुसार केशवानंद के फैसले के 16 साल बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश के मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी। वहीं बैरी एम बोवेन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ बिलीज के मामले में बिलीज कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को अपनाने के लिए केशवानंद केस और आईआर कोलेहो कोएलो केस पर भी को भी संदर्भित किया है। केशवानंद केस ने अफ्रीकी महाद्वीप का भी ध्यान आकर्षित किया है। केन्या, अफ्रीका देश युगांडा, अफ्रीका देश सेशल के मामलों में भी केशवानंद मामले के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र कर भरोसा जताया गया। भले ही केशवानंद भारती का मठ अपने मामलों को हार कर भूमि बचाने में सक्षम नहीं रहा, परंतु निसंदेह इस मामले के निर्णय ने संविधानिक सर्वोच्चता को स्थापित कर भारत की लोकतांत्रिक सिद्धांत को उन्नत किया। भले ही उन्हें सफलता नहीं मिली अपने काम में, लेकिन उनकी वजह से देश के लोकतंत्र को एक मजबूती मिली, समझ रहे हैं? ये आपका राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और सामान्य अध्ययन पेपर से, ठीक है, याद रखिए इसे।